महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न एक, संचार क्या है? उत्तर, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान है। प्रश्न दो, संचार के माध्यमों की खोज क्यों की? उत्तर, संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार माध्यमों की खोज की। प्रश्न तीन, मशहूर संचार शास्त्री विल्बर ट्रेम ने संचार को क्या माना है? उत्तर, मशहूर संचार शास्त्री विल्बर ट्रेम ने संचार को अनुभवों की साझेदारी माना है। प्रश्न चार, अमेरिकी आतंकवादी हमले को दुनिया ने कैसे देखा? उत्तर, दुनिया ने इस हमले को टेलीविजन के पर्दे पर अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा। प्रश्न पांच, संचार के मुख्य तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर, स्रोत या संचारक, कूटीकृत या एनकोडिंग, भाषा, संदेश, माध्यम, चैनल, प्राप्तकर्ता, रिसीवर यानी डिकोडिंग, फीडबैक, शोर। प्रश्न छह, संचारक या स्रोत कौन व्यक्ति होता है? उत्तर, अपने विचार, संदेश या भावना को अन्य व्यक्ति तक भेजने वाला व्यक्ति स्रोत या संचारक कहलाता है। प्रश्न सात, फीडबैक किसे कहते हैं? उत्तर, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता के संदेश को समझकर प्रतिक्रिया करने को फीडबैक कहते हैं। प्रश्न आठ, प्राप्तकर्ता के पास संदेश अपने मूल रूप में क्यों नहीं पहुंचता? उत्तर, संचार प्रक्रिया में शोर बाधा के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंच पाता है। प्रश्न नौ, संचार के प्रकारों के नाम बताएं। उत्तर, सांकेतिक संचार, मौखिक अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरवैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। प्रश्न दस, नौकरी और दाखिले के लिए संचार की किस विधा को अपनाया जाता है? उत्तर, नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में अंतर्वैयक्तिक संचार की विधा को अपनाया जाता है। प्रश्न 11, समूह संचार क्या है? इसके कोई तीन उदाहरण दीजिए। उत्तर, समूह संचार में एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। इसके उदाहरण हैं कक्षा, संसद और गांव की पंचायत। प्रश्न 12, वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण संचार कौन सा है? उत्तर, सबसे महत्वपूर्ण संचार जनसंचार, मास कम्युनिकेशन है, जिसमें तकनीकी या यांत्रिक माध्यम की सहायता से समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश की जाती है। प्रश्न 13, जनसंचार की कोई दो विशिष्टताएं बताएं। उत्तर, एक, फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। दो, संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। प्रश्न 14, जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल किसे कहते हैं? उत्तर, द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित व प्रसारित सामग्री को नियंत्रित व निर्धारित करते हैं। प्रश्न 15, जनसंचार के कौन कौन से कार्य हैं? उत्तर, जनसंचार के कार्य हैं सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच का आयोजन करना। प्रश्न 16, भारत में जनसंचार माध्यमों के सूत्र कहाँ और किससे प्राप्त होते हैं? उत्तर, भारत में जनसंचार माध्यमों के सूत्र बीज पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में पाए जाते हैं। प्रश्न 17, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? उत्तर, भारत का पहला समाचार वाचक देवर्षि नारद को माना जाता है, जो वीणा की मधुर झनकार के साथ समाचार देते थे। प्रश्न 18, महाभारत में युद्ध विवरण के वाचक कौन थे? उत्तर, महाभारत में युद्ध विवरण के वाचक संजय थे। यह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था थी। प्रश्न 19, प्रागैतिहासिक काल के जनसंचार क्या थे? उत्तर, भीमबेटका के गुफा चित्र, उसके बाद कठपुतली तथा लोकनाटक जनसंचार के साधन थे। प्रश्न 20, विविध नाट्य रूपों के नाम बताएं। उत्तर, कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, यक्षगान आदि। प्रश्न 21, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं? उत्तर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट। प्रश्न 22, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी क्या है? उत्तर, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया है। प्रश्न 23, अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए कितना समय हो गया? उत्तर, 400 साल। प्रश्न 24, भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन सा था तथा कब और कहां निकला था? उत्तर, पहला अखबार बंगाल गजट था, जो 1780 में कलकत्ता से निकला था। प्रश्न 25, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था तथा कब व कहां से निकला था? उत्तर, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड था, जो 1826 में कलकत्ता से पम जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। प्रश्न 26, रेडियो का आविष्कार किसने और कब किया? उत्तर, सन 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। प्रश्न 27, भारत में रेडियो स्टेशन की स्थापना कब और कहां हुई? उत्तर, सन 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना दिल्ली में हुई। प्रश्न 28,
सर्वप्रथम टेलीविजन प्रसारण कब और कहां हुआ? उत्तर 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया। प्रश्न 29, भारत में टेलीविजन प्रसारण किसके सहयोग से एवं कब आरंभ हुआ? उत्तर, भारत में यूनेस्को के सहयोग से 15 सितंबर 1959 को टीवी का प्रसारण शुरू हुआ। प्रश्न 30, आरंभ में टीवी माध्यम का उद्देश्य क्या था? उत्तर, आरंभ में टीवी माध्यम का उद्देश्य था शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। प्रश्न 31, दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ? उत्तर, 1 अप्रैल 1976 से। प्रश्न 32, ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय है? उत्तर, जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाती है, जैसे भारत 66 रन से जीता। प्रश्न 33, लाइव से क्या आशय है? उत्तर, जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटनास्थल से प्रसारण किया जाता है तो उसी को लाइव समाचार कहते हैं। प्रश्न 34, सबसे पहला निजी टीवी चैनल कौन सा है? उत्तर, सबसे पहला निजी टीवी चैनल जी टीवी है। प्रश्न 35, सिनेमा का आविष्कार किसने किया? उत्तर, सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने सन 1883 में किया। प्रश्न 36, विश्व की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? उत्तर, 1894 में फ्रांस में बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन विश्व की पहली फिल्म थी। प्रश्न 37, भारत में पहली मूक फिल्म किसने और कब बनाई? उत्तर, भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहब फाल्के ने बनाई। प्रश्न 38, पहली बोलती फिल्म भारत में कौन सी थी व कब बनी? उत्तर, पहली बोलती फिल्म आलमारा सन 1931 में बनी। प्रश्न 39, वर्तमान का लोकप्रिय संचार माध्यम क्या है? उत्तर, इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। प्रश्न 40, इंटरनेट क्या है? उत्तर, इंटरनेट ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहां तक कि पुस्तकालय के सारे गुण हैं। प्रश्न 41, इंटरनेट का कोई एक लाभ व एक हानि बताए? उत्तर, लाभ हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है, हानि बच्चों व युवाओं में अकेलापन बढ़ता जा रहा है। प्रश्न 42, जनसंचार माध्यमों ने सरकार के प्रति क्या निगरानी की है? उत्तर, जनसंचार माध्यमों ने लोगों को जागरूक बनाकर सरकार के गलत कार्यों के प्रति आवाज उठाने योग्य बनाया है। प्रश्न 43, जनसंचार माध्यमों पर समाज के किस वर्ग का स्वामित्व है? उत्तर, कंपनियों, धनी वर्ग, राजनेताओं, भ्रष्टाचारी आदि का स्वामित्व है। प्रश्न 44, जनसंचार माध्यम हमारे घरों में किस रूप में घुस आए हैं? उत्तर, एक उत्पाद के रूप में। प्रश्न 45, जनसंचार माध्यमों की ताकत कब से बढ़ी है? उत्तर, आपातकाल के बाद से जनसंचार माध्यमों की ताकत बढ़ी है। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, संचार क्या है? उत्तर, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान है। प्रश्न 2, संचार के माध्यमों की खोज क्यों की? उत्तर, संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार माध्यमों की खोज की। प्रश्न 3, मशहूर संचार शास्त्री विल्बर्ट रैम ने संचार को क्या माना है? उत्तर, मशहूर संचार शास्त्री विल्बर्ट रैम ने संचार को अनुभवों की साझेदारी माना है। प्रश्न 4, अमेरिकी आतंकवादी हमले को दुनिया ने कैसे देखा? उत्तर, दुनिया ने इस हमले को टेलीविजन के पर्दे पर अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा। प्रश्न 5, संचार के मुख्य तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर, स्रोत या संचारक, कूटीकृत या एनकोडिंग, भाषा, संदेश, माध्यम, चैनल, प्राप्तकर्ता, रिसीवर यानी डिकोडिंग, फीडबैक, शोर। प्रश्न 6, संचारक या स्रोत कौन व्यक्ति होता है? उत्तर, अपने विचार, संदेश या भावना को अन्य व्यक्ति तक भेजने वाला व्यक्ति स्रोत या संचारक कहलाता है। प्रश्न 7, फीडबैक किसे कहते हैं? उत्तर, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता के संदेश को समझकर प्रतिक्रिया करने को फीडबैक कहते हैं। प्रश्न 8, प्राप्तकर्ता के पास संदेश अपने मूल रूप में क्यों नहीं पहुंचता? उत्तर, संचार प्रक्रिया में शोर बाधा के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंच पाता है। प्रश्न 9, संचार के प्रकारों के नाम बताएं। उत्तर, सांकेतिक संचार, मौखिक अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरवैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। प्रश्न 10, नौकरी और दाखिले के लिए संचार की किस विधा को अपनाया जाता है? उत्तर, नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में अंतर्वैयक्तिक संचार की विधा को अपनाया जाता है। प्रश्न 11, समूह संचार क्या है? इसके कोई 3 उदाहरण दीजिए।
उत्तर समूह संचार में एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। इसके उदाहरण हैं कक्षा, संसद और गांव की पंचायत। प्रश्न 12, वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण संचार कौन सा है? उत्तर, सबसे महत्वपूर्ण संचार जनसंचार मास कम्युनिकेशन है, जिसमें तकनीकी या यांत्रिक माध्यम की सहायता से समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश की जाती है। प्रश्न 13, जनसंचार की कोई दो विशिष्टताएं बताए। उत्तर, एक, फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। दो, संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। प्रश्न 14, जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल किसे कहते हैं? उत्तर, द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित व प्रसारित सामग्री को नियंत्रित व निर्धारित करते हैं। प्रश्न 15, जनसंचार के कौन कौन से कार्य हैं? उत्तर, जनसंचार के कार्य हैं सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच का आयोजन करना। प्रश्न 16, भारत में जनसंचार माध्यमों के सूत्र कहाँ और किससे प्राप्त होते हैं? उत्तर, भारत में जनसंचार माध्यमों के सूत्र बीज पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में पाए जाते हैं। प्रश्न 17, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? उत्तर, भारत का पहला समाचार वाचक देवर्षि नारद को माना जाता है, जो वीणा की मधुर झनकार के साथ समाचार देते थे। प्रश्न 18, महाभारत में युद्ध विवरण के वाचक कौन थे? उत्तर, महाभारत में युद्ध विवरण के वाचक संजय थे। यह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था थी। प्रश्न 19, प्रागैतिहासिक काल के जनसंचार क्या थे? उत्तर, भीमबेटका के गुफा चित्र, उसके बाद कठपुतली तथा लोकनाटक जनसंचार के साधन थे। प्रश्न 20, विविध नाट्य रूपों के नाम बताए। उत्तर, कथावाचन, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, यक्षगान आदि। प्रश्न 21, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं? उत्तर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट। प्रश्न 22, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी क्या है? उत्तर, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र, पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया है। प्रश्न 23, अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए कितना समय हो गया? उत्तर, 400 साल। प्रश्न 24, भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन सा था तथा कब और कहाँ निकला था? उत्तर, पहला अखबार बंगाल गजट था, जो 1780 में कलकत्ता से निकला था। प्रश्न 25, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था तथा कब व कहां से निकला था? उत्तर, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड था, जो 1826 में कलकत्ता से पम जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। प्रश्न 26, रेडियो का आविष्कार किसने और कब किया? उत्तर, सन 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। प्रश्न 27, भारत में रेडियो स्टेशन की स्थापना कब और कहां हुई? उत्तर, सन 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना दिल्ली में हुई। प्रश्न 28, सर्वप्रथम टेलीविजन प्रसारण कब और कहां हुआ? उत्तर, 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया। प्रश्न 29, भारत में टेलीविजन प्रसारण किसके सहयोग से एवं कब आरंभ हुआ? उत्तर, भारत में यूनेस्को के सहयोग से 15 सितंबर 1959 को टीवी का प्रसारण शुरू हुआ। प्रश्न 30, आरंभ में टीवी माध्यम का उद्देश्य क्या था? उत्तर, आरंभ में टीवी माध्यम का उद्देश्य था शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। प्रश्न 31, दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ? उत्तर, 1 अप्रैल 1976 से। प्रश्न 32, ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय है? उत्तर, जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाती है, जैसे भारत 66 रन से जीता। प्रश्न 33, लाइव से क्या आशय है? उत्तर, जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटनास्थल से प्रसारण किया जाता है तो उसी को लाइव समाचार कहते हैं। प्रश्न 34, सबसे पहला निजी टीवी चैनल कौन सा है? उत्तर, सबसे पहला निजी टीवी चैनल जी टीवी है। प्रश्न 35, सिनेमा का आविष्कार किसने किया? उत्तर, सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने सन 1883 में किया। प्रश्न 36, विश्व की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? उत्तर, 1894 में फ्रांस में बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन विश्व की पहली फिल्म थी। प्रश्न 37, भारत में पहली मूक फिल्म किसने और कब बनाई? उत्तर, भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहब फाल्के ने बनाई। प्रश्न 38, पहली बोलती फिल्म भारत में कौन सी थी व कब बनी? उत्तर, पहली बोलती फिल्म आलमारा सन 1931 में बनी। प्रश्न 39, वर्तमान का लोकप्रिय संचार माध्यम क्या है? उत्तर, इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है।
प्रश्न 40। इंटरनेट क्या है? उत्तर, इंटरनेट ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण हैं। प्रश्न 41। इंटरनेट का कोई एक लाभ व एक हानि बताए। उत्तर, लाभ हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। हानि, बच्चों व युवाओं में अकेलापन बढ़ता जा रहा है। प्रश्न 42। जनसंचार माध्यमों ने सरकार के प्रति क्या निगरानी की है? उत्तर, जनसंचार माध्यमों ने लोगों को जागरूक बनाकर सरकार के गलत कार्यों के प्रति आवाज उठाने योग्य बनाया है। प्रश्न 43। जनसंचार माध्यमों पर समाज के किस वर्ग का स्वामित्व है? उत्तर, कंपनियों, धनी वर्ग, राजनेताओं, भ्रष्टाचारी आदि का स्वामित्व है। प्रश्न 44। जनसंचार माध्यम हमारे घरों में किस रूप में घुस आए हैं? उत्तर, एक उत्पाद के रूप में। प्रश्न 45। जनसंचार माध्यमों की ताकत कब से बढ़ी है? उत्तर, आपातकाल के बाद से जनसंचार माध्यमों की ताकत बढ़ी है।